नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर न्यूज 24x7। मैं हूं आपके साथ शिखा अरोड़ा। आज हम आपको बताएंगे जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के बारे में। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर राजस्थान के प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित यह मंदिर जयपुर का सबसे प्रसिद्ध बिना शिखर वाला मंदिर है। यह चंद्रमहल के पूर्व में बने जन निवासी बगीचे के मध्य स्थित है। संरक्षक देवता गोविंद देव जी की मूर्ति पहले वृंदावन के मंदिर में स्थापित थी, जिनको सवाई जय सिंह दित्ते ने अपने परिवार के देवता के रूप में यहां पुनः स्थापित किया था। परकोटे इलाके में सिटी पैलेस परिसर में गोविंद देव जी का मंदिर स्थित है। गोविंद देव जी जयपुर के आराध्य देव हैं। शहर के राजमहल सिटी पैलेस के उत्तर में स्थित गोविंद देव जी मंदिर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। गोविंद देव जी राज परिवार के भी दीवान अर्थात मुखिया स्वरूप हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर यहां लाखों की संख्या में भक्त भगवान गोविंद देव जी के दर्शन करते हैं। गोविंद देव जी का मंदिर चंद्रमहल गार्डन से लेकर उत्तर के ताल कटोरे तक विशाल परिसर में फैला हुआ है। इस मंदिर में अनेक देवी देवताओं के भी मंदिर हैं। साथ ही यहाँ हाल ही में निर्मित सभा भवन को गिनीज बुक में भी स्थान मिला है। यह सबसे कम खंभों पर टिका सबसे बड़ा सभागार है। बड़ी चौपड़ से हवा महल मार्ग से सिरहेट ड्योडी दरवाजे के अंदर स्थित जलेब चौक के उत्तरी दरवाजे से गोविंद देव जी मंदिर परिसर में प्रवेश होता है। इस दरवाजे से एक रास्ता कवर नगर की ओर निकलता है। रास्ते के दाएं ओर गोडिये संप्रदाय के संत चैतन्य महाप्रभु का मंदिर है। बाएं हाथ की ओर हनुमान राम दरबार विशाल्य व माता के मंदिर के साथ एक मस्जिद भी है। बाएं हाथ की ओर गोविंद देव जी मंदिर में प्रवेश करने के लिए विशाल दरवाजा है। यह मेटल डिकेटर स्थापित किए गए हैं। यहां से विशाल त्रिपोल द्वारा से मंदिर की मुख्य परिसर में जाने का रास्ता है। आगे चलने पर मंदिर कार्यालय ठिकाना गोविंद देव जी है। इसके साथ अगले कक्ष में गोविंद देव जी के प्रसिद्ध मोदक प्रसाद को सकुशल व्यवस्थाएं हैं। गोविंद देव जी को भारी वस्तुओं का भोग नहीं लगाया जाता है, केवल मंदिर में बने मोदक का ही भोग लगता है। गोविंद देव जी के मंदिर का जगमोहन अपनी खूबसूरती के कारण प्रसिद्ध है। मंदिर में गोडिये संप्रदाय की पीढ़ियों द्वारा ही सेवा पूजा की परंपरा रही है। गोविंद देव जी के मंदिर में 7 आरतियां होती हैं। गोविंद देव जी मंदिर भारत के सबसे दिव्य और शानदार मंदिरों में से एक है। जयपुर शहर को इस मंदिर के यहाँ होने का काफी गौरव है। श्री कृष्ण भक्तों के वृंदावन के बाद यह सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मंदिर है। मिथकों के अनुसार एक बार महाराजा सवाई जयसिंह दित्य को सपना आया, जिसमें भगवान कृष्ण ने उनसे उनके महल को मुगल बादशाह औरंगजेब के विनाश से बचाने के लिए किले में उनकी मूर्ति स्थापित करने को कहा। महाराजा सवाई जयसिंह तब वृंदावन से मूर्ति लेकर आए थे, जो पहले सूर्य महल में रखी गई थी, बाद में चंद्र महल में स्थानांतरित कर दी गई। ऐसा माना जाता है कि यह मूर्ति धरती पर अवतार के दौरान भगवान कृष्ण का प्रतिरूप है। मिथकों से यह भी पता चलता है कि भगवान कृष्ण के पौत्र व्रजनभ ने इस मूर्ति को 5000 साल पहले बनाया था। जब व्रजनभ 13 साल के थे तो उन्होंने अपनी दादी से पूछा कि भगवान कृष्ण कैसे दिखते हैं। जो वर्णन उन्होंने दिया उसके अनुसार उन्होंने भगवान की छवि बनाने की कोशिश की, पर 2 बार असफल हुए। तीसरी बार कोशिश में उन्हें बिल्कुल वैसी मूर्ति बनाई जिसका वर्णन सुना था। इस मूर्ति का नाम तब व्रजकृति पड़ा, यानी व्रज की रचना। नमस्कार।